ये देखिए इधर सारे इसके पार्ट्स रखे हुए हैं, यहाँ गैस्केट रखा हुआ है। अब इस एक एक पार्ट के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ एक यॉर्क का कंप्रेसर है, जेके मॉडल है। इसको फुल्ली ओपन करके एक एक पार्ट इसका दिखाऊंगा कि कौन सा पार्ट है, इसका क्या नाम है और कैसे फंक्शन करता है। अगर इसमें ये प्रॉब्लम आएगी तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करें। अपने दोस्तों सब भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी जरूरत हो। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यॉर्क का चिलर है और ये एयर कूल चिलर है। इसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगे हुए हैं। अभी मैं आपको इसकी डिटेल बताना शुरू करता हूँ। इससे पहले एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे चैनल को ज्वाइन करना तो आप लोग डायरेक्टली मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे जो वीडियो हैं उसको आप लोग अपने चैनल पे भी पोस्ट कर सकते हैं ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आप लोगों को दिखाना कंप्रेसर के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग देखें, ये यॉर्क का कंप्रेसर है। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोगों ने इसको घुमा दिया है। इसका जो फ्रंट का डोम है वो ये है, वो उधर होना था लेकिन हम लोगों ने इसको घुमा दिया, मूव कर दिया है। ऐसा सेम सेम आप देख लीजिए, ये कंप्रेसर है ना, आप लोगों को ये दिख रहा है। और इसका मॉडल नंबर सबसे पहले बता दूं, AK642 मतलब। तो इसका ये मॉडल है और इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कंप्रेसर लगा हुआ है। इसके अंदर कितने सिलेंडर हैं? 6 सिलेंडर हैं, 2, 4, 6, मतलब 3 हेड है और 6 सिलेंडर हैं इसके अंदर। और यहाँ पे यही कंप्रेसर सेम है जो ओपन पोजीशन में है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्लोज पोजीशन के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद में ओपन में बताऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। 3 हेड है, 6 सिलेंडर है, 6 पिस्टन है, 6 कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंकशाफ्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले ऊपर की चीजें आपको बताऊं, ये जो हमारा है ये ऑयल का ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, ऑयल का पंप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए पहले आप लोगों को समझना, ये ऑयल का पंप है, ऑयल प्रेशर बनाता है। तो इसका जो मैकेनिज्म है उसमें लुब्रिकेशन होती है। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं इसको मैनिफोल्ड भी बुलाया जाता है। ये डिस्चार्ज का लाइन है, डिस्चार्ज का जो ये लाइन है ये क्या काम करता है ये देखिए। ये जो हेड आपको टॉप में दिख रहा है उसमें उसमें से प्रेशर इसमें आ रहा है, ये वाले हेड में से इसमें आ रहा है, ये वाले हेड में से इसमें आ रहा है। तीनों को मिला के एक साथ ये डिस्चार्ज करता है, मतलब कंडेंसर में यहाँ से प्रेशर जाती है इस यहाँ से। उसके बाद आप लोगों को मैंने ये बता ही दिया, ये जो तीनों हेड है, हेड के अंदर जो हमारा रीड वाल्व है, सक्शन और डिस्चार्ज और पिस्टन है, सिलेंडर है हमारा जिसको हम लोग लाइन भी बोलते हैं, ये सारे इसमें लगे हुए हैं। ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं ये लोडर अनलोडर है, ऐसा उधर भी है। और यहाँ आप लोग ऊपर देख रहे हैं ये टर्मिनल बॉक्स है सामने। तो लोडर अनलोडर दो होते हैं इसके अंदर, जो कि इन दोनों हेड को लोड पे लाने के लिए दोनों साइड वालों को, और टॉप वाले का डायरेक्ट लोड पे जाता है। अब मैं आपको खुले हुए में आता हूँ दिखाने के लिए। सबसे पहले खुला हुआ दिखा दूंगा, देखिए लोडर अनलोडर अंदर की तरफ से दिखाऊंगा, ये ऊपर की तरफ से है। और यहाँ पे ये रिलीफ वाल्व लगे हुए हैं। रिलीफ वाल्व किस लिए लगाया जाता है? ताकि कभी गलती से हाई प्रेशर हो गया या कुछ हो गया कंप्रेसर में तो वो फट जाएगा और लाइन को बाईपास कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो कोई भी खतरा होगा वो टल जाएगा। और से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हाउसिंग लगता है फ्रंट वाला और पीछे बैक वाला लगता है। आपको जो मैं लोडर लोडर का पिछले वीडियो में बताया था, तो ये देखिए यहाँ पे लोडर का इनसाइड है, ये देखिए यहाँ से ये गैस को बंद करता है, ये गैस का आना इधर बंद कर देता है, तो ये बाईपास ये लोड पे चला जाता है और जब ये ओपन हो जाएगा तो गैस को बाईपास कर देगा। मतलब ये हेड से, यहाँ के हेड से ये अंदर से गैस वापस यहाँ से सक्शन से रिटर्न हो जाता है, तो इस तरीके से ये बाईपास हो जाता है अनलोड होने पे। ये आपने समझ लिया। अब मैं इसका पार्ट आपको सारा पार्ट दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए इधर सारे इसके पार्ट्स रखे हुए हैं, यहाँ गैस्केट रखा हुआ है। अब इस एक एक पार्ट के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये जो हमारा बुशिंग है, हाउसिंग, इसके अंदर बुश लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। क्रैंकशाफ्ट इसके अंदर होकर चलता है, क्रैंकशाफ्ट कौन सा वाला है? ये वाला। इसी से पिस्टन, ये सारा जो कंप्रेसर सिस्टम है वो इसी से होता है। कनेक्टिंग रॉड घूमता है और वो पिस्टन को घुमाता है, ये पिस्टन कनेक्टिंग रॉड रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं बुशिंग पे आता हूँ, ये बुश इसके अंदर है जहाँ पे क्रैंकशाफ्ट घूमता है। और ये बैक साइड का है, बैक साइड बोले तो वहाँ देखिए ऑयल पंप के जो आगे लगा हुआ है वो बैक साइड का बुशिंग है, उसके ऊपर ऑयल पंप लगाया जाता है। इसके अंदर भी बुश लगा हुआ है और आगे जो है वो हमारा ये सक्शन फिल्टर है, जो कि सक्शन लाइन में लगा होता है। अगर सक्शन से कुछ कचरा वगैरह आएगा तो इसमें बंद हो जाएगा, सक्शन फिल्टर भी ब्लॉक हो सकता है। और जो ऑयल पंप वो बाहर से मैं आपको दिखा रहा था वो यहाँ खुला हुआ है। ये क्या करता है? क्रैंकशाफ्ट के साथ चलता है, ये देखिए चाबी इसमें बना हुआ है। ये चाबी जब घूमेगा तो यहाँ से ऑयल का प्रेशर बनाएगा, एक साइड से खींचेगा दूसरी साइड ये प्रेस करेगा। और ऑयल का प्रेशर, ये जो आप क्रैंकशाफ्ट देख रहे हैं इसके अंदर भी देख लीजिए, ये कनेक्टिंग रॉड इसके ऊपर लगे हुए होते हैं, इसमें ऑयल है।
हर कनेक्टिंग रोड के इस एरिया को लुब्रिकेट करने के लिए वहां से प्रेशर मिलता है ऑयल का, और आगे का हिस्सा जो वो है वो हमारा रोटर के साइड में लगा हुआ होता है, रोटर लगा हुआ होता है उसके पास, उसके ऊपर। और जो हमारा ये 6 कनेक्टिंग रोड है, ये देखिए 6 सिलेंडर मैंने बोला और 3 हेड है, तो इसमें दोनों एरिया में जो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, इन दोनों में 3 कनेक्टिंग रोड लगेंगे। तो ये जो है ये आगे का हिस्सा है, ये हमारा कंप्रेसर उल्टा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला उस कंप्रेसर के पीछे साइड जाएगा, और वो जो आप लोग सामने देख रहे हैं वो इस तरफ आएगा इधर फ्रंट में, क्योंकि अभी उल्टा रखा, बाद में हम लोग उसको मूव कर देंगे, तो यहाँ पे लगेगा। लेकिन सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आप फ्रंट का बुशिंग देख रहे हैं ना, वो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, बाद में बैक साइड से उसको क्रैंकशाफ्ट को पुश करेंगे। तो पुश करेंगे तो क्या होगा, ये आगे वाला हाउसिंग में आ जाएगा, फिर हम लोग पीछे वाला हाउसिंग रख के लगा देंगे। लेकिन हाउसिंग लगाने से पहले, आगे का हाउसिंग लगाने से पहले जब आप क्रैंकशाफ्ट फिटिंग करेंगे, तो उसमें एक थ्रस्ट वॉशर आता है, यहाँ पे शायद अभी नहीं है, इधर है, ये देखिए ये थ्रस्ट वॉशर है, इसको उसके आगे लगाया जाता है थ्रस्ट वॉशर को। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं ये कनेक्टिंग रॉड है, इसमें नंबर वाइज यूज किया जाता है। जैसे ये पीछे का ऑयल पंप का एरिया, यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और फिर 4 5 6, इस तरीके से नंबर वाइज इसको फिक्स किया जाता है। और ये जो अंदर मूव कर रहा है, ये देखिए जिसके ऊपर मूव कर रहा है ना, उसको गजन पिन या पिस्टन पिन बोला जाता है। यहाँ जो आप लोग अंदर देख रहे हैं पिन, इसको गजन पिन नहीं तो पिस्टन पिन बोला जाता है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये लाइनर है, इसको सिलेंडर भी बुलाया जाता है, लाइनर भी बुलाया जाता है। और यहाँ पे हमारा ओरिंग लगता है, देखिए यहाँ पे ओरिंग लगता है, एक यहाँ पे भी लगता है ओरिंग, वो रखा हुआ है उस साइड, वहां पर रखा हुआ है जो आप लोग देख रहे हैं ऊपर में। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पिस्टन है, ये देखिए यही प्रेशर बनाता है। तो ये आप लोगों ने 6 पिस्टन देख लिए। अभी देखिए ये हमारा रीड वाल्व है, रीड वाल्व आपको कैसे मालूम चलेगा कौन सा सक्शन का है, कौन सा डिस्चार्ज का है? तो इसमें ये देखिए, ये वाला जो हमारा रीड वाल्व है ये सक्शन का है, ये स्प्रिंग लगे हुए हैं इसमें, ये पत्ती है ऊपर, ये देखिए ये स्प्रिंग लगे हुए हैं इसके अंदर, यहाँ से ये लगता है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं सामने, ये डिस्चार्ज रीड वाल्व है। तो डिस्चार्ज का देखिए ऐसे पुश होता है, ये देखिए ये ऐसे पुश हो रहा है, तो इस तरीके से ये सारा फंक्शन करता है। तो 6 सिलेंडर है, 3 हेड है, तो 6 सिलेंडर में 6 डिस्चार्ज रीड और 6 सेक्शन रीड, ये 6-6 लगे हुए रहेंगे। जो हेड का प्लेट है वो देख लें, जो ये डायरेक्ट हेड लोड पे आता है उसका ये वाला प्लेट है, बाकी साइड का और टॉप का 2 प्लेट उधर रखा हुआ है। अभी ओवरऑलिंग करने के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर अगर जो कुछ प्रेशर में या साउंड अगर कुछ आ जाता है कंप्रेसर में, तो अक्सर इसके रीड वाल्व वगैरह टूट जाते हैं, तो उसको हम लोगों को चेक करना चाहिए। लेकिन अगर फुल्ली ओवरऑलिंग करना है आप लोगों को, तो इस तरीके से आप लोगों को सब कुछ ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, और मैं दिखाता हूँ कैसे उसको क्लीन करना है। आपको एमरी पेपर से, जिसको सैंड पेपर बोलते हैं, रेगमाल बोलते हैं, इन सबको अच्छे से क्लीन भी करना है, क्लीन करना है, बाद में उसको बारीक वाले पेपर से उस पर पॉलिशिंग भी करनी है, पॉलिश भी करना है। वो करने के बाद आपको पेट्रोल से वॉश कर सकते हैं, और ये R141B जो फ्लशिंग गैस होता है, इसके साथ भी आप लोग उसको वॉश कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद सारे में आप लोग ऑयल लगा लेंगे, ऑयल जब सब पे लग जाएगा, ये जितने पार्ट्स है सबको ऑयल लगा दें तो सबसे बेहतर है। गैस्केट वगैरह जितनी भी लगाएंगे सब में ऑयल लगा के आपको गैस्केट अप्लाई करना है, लगाना है। जब ये सारा फिक्स हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रोटर ये कार्टून के अंदर रखा है, इस वाले के अंदर, रोटर को आगे फिक्स करके और वाइंडिंग उसके ऊपर जो स्टेटर होता है वो लगा के फिर इसको ऐसे मूव करेंगे, क्योंकि जो आगे का डोम है इसका उधर है, मूव करके अंदर में, फिर बाद में मेन ज्वाइंट लगा देंगे। उसके बाद आपको प्रोसेस मालूम है, ऑयल चार्ज करना होगा, फिर वैक्यूम करना होगा, फिर गैस चार्जिंग करनी होगी, और भी सारे इलेक्ट्रिकल इसके चेक करने होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अपने चैनल पर भी इस वीडियो को, मेरे वीडियो को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।